तो मैं आपको क्या लगता है कि अनपढ़ गवार काम कर लूँ मैं ग्रेजुएट, मतलब आप फ्री में अगर आपको मिल जाएगा तो फिर वो खाने के लायक है। आप अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो फ्री में भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए उस खाने की। यही बात जो है, जो जोमेटो ने खुद ही एक्शन ले लिया यार, खुद ही जोमेटो सुप्रीम कोर्ट बन गया। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ जोमेटो में चंडीगढ़ में। अच्छा, लोकेलिटी आपकी चंडीगढ़ की है? जी लोकेलिटी तो मेरी मतलब यहाँ से 100-150 किलोमीटर की है, बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे रेंटेड हूँ, अकेला रहता हूँ, तो यहीं पे जोमेटो करता हूँ। जोमेटो इसीलिए करते हैं, जोमेटो में आपको क्या लगता है कि अनपढ़ गवार काम करते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। मेरे मेरा एक फ्रेंड रहता है मेरे साथ में, रूममेट है मेरा, वो BSc की हुई है उसने, तो ये हम पार्ट टाइम करते हैं उसको, ठीक है। पार्ट टाइम में हमारे 10-12 घंटे निकल जाते हैं क्योंकि हमारे गोल्स कुछ और है, मुझे कुछ और बनना है, उसको कुछ और बनना है। प्राइवेट जॉब में ये सब मिलेगी नहीं सहूलत। आप जोमेटो के अलावा और क्या काम करते हो आप? जी मैं, मेरा म्यूज़िक का काम है, मैं म्यूज़िक स्टूडियो में गाने बनाता हूँ, मेरा खुद का, मैं एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम करता हूँ, तो वो मेरा अलग से मेरा खुद का काम है। तो तो जोमेटो में काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मतलब इस शहर में जब हम आए थे चंडीगढ़, ये सिटी है, यहाँ पे मतलब मेरे इंडस्ट्री यहाँ पे रहती है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे काम करते, तो मैं ये सोच के यहाँ पे आया था, तो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे काम मिलेगा, तो काम मिल भी रहा है मुझे, तो महीने में 25,000-30,000 का काम मुझे मिल भी जाता है उसका। तो मतलब उससे मेरा स्टूडियो अभी बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, मैं मतलब स्टे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन सब के चक्कर की वजह से कोई और अगर मैं प्राइवेट जॉब करता भी हूँ तो उसमें मेरे मतलब काफ़ी टाइम निकल जाएगा और मुझे मतलब अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब मतलब आपको नहीं करना है तो आप ID बंद करके आप अपना कुछ भी कर सकते हो। दिन में आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, 10 घंटे करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। हमें हितेशा कह रही हैं कि ऑर्डर लेट होने की वजह से वो ऑर्डर को कैंसिल करवाना चाहती थी। ऑर्डर संभवतः ऑर्डर लेट क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ऑर्डर लेट होने का होता है कि रेस्टोरेंट से ही डिले होता है, ठीक है। रेस्टोरेंट के पास भी काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं। अब मतलब अगर आपको टाइम शो कर रहा है कि इतना टाइम में आपके पास पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो रेस्टोरेंट ही अपना काम बढ़ाने के लिए, अगर 15 मिनट दिए हैं तो उसको 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट तो वहीं पे जाते लगते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है, कभी टाइम पे भी मिलते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि जोमेटो की तरफ से ही हमें मल्टी ऑर्डर असाइन हो जाते हैं। अब हम और उनका एल्गोरिदम ऐसा है जोमेटो का कि अब हमें पहला एक ऑर्डर मिला, ठीक है, तो हम उस लोकेशन पे पहुंचे, हमने उस रेस्टोरेंट पे जितना भी टाइम उतना वेट किया, वो ऑर्डर पिक किया। जब तक हम उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक नहीं करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो रेस्टोरेंट है वो हमें शो नहीं करेगा, हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन से रेस्टोरेंट से पिक करना है और कौन से कस्टमर को डिलीवर करना है, ठीक है। तो पहले रेस्टोरेंट में अगर टाइम लग रहा है तो दूसरे कस्टमर की कॉल आती होती है कि आप कब तक, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता, हमारे पास ना शो कर रहा होता है, ठीक है। अब चलो उसने टाइम पे दे भी दिया, रेस्टोरेंट वाले ने टाइम पे दे दिया, हमने वहाँ से ऑर्डर पिक किया, तो उसके बाद मुझे दूसरे रेस्टोरेंट की लोकेशन शो करेगा जो उसके आसपास होगा, तो फिर मैं दूसरे रेस्टोरेंट के पास जाऊंगा, तो वहां से ऑर्डर पिक करूंगा, तो उसके बाद डिलीवरी का भी ऐसा ही एल्गोरिदम है इनका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब वो ये नहीं देखेंगे कि किसने पहले किया जोमेटो ने कि किसने बाद किया, वो ये देखेंगे कि कौन सा नज़दीक पहले बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो हमें ऐसे डिलीवरी की भी कस्टमर की ऑप्शन आती है, पहले हमारे पास जो एड्रेस शो करेगा दूसरे कस्टमर का एड्रेस शो ही नहीं करेगा, हमें एक एक एड्रेस जो हमें शो करेगा, हम जब उस एड्रेस पे पहुंच के उस ऑर्डर को डिलीवर पंच करेंगे तब हमें अगला शो करेगा। तो इसमें जोमेटो का तो हैंड सेफ है, जोमेटो ने तो अपना टाइम दे दिया कि इतने टाइम में आपको पहुंच जाएगा, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि टाइम लगता है इस चीज़ में, ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। और तीसरा रीज़न है कि ट्रैफिक, और चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ या कोई भी मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे हर रेड लाइट पे देखो लोग रूल रेगुलेशन फॉलो करें या ना करें, लेकिन मतलब हमें रूल रेगुलेशन पूरे फॉलो करने पड़ते हैं, रेड लाइट पे, हर रेड लाइट पर रुकना है, ये वो, तो उसमें टाइम जाता है। और चौथा रीज़न तो फिर एक ही बचता है कि भगवान ना करे कि कहीं हम
लेट गए हों, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐसा होता है। तो ये चार मुख्य। दूसरी बात, अगर वो खाना आपके पास पहुंचता है, चलो आपको जेन्युइन तकलीफ़ है अभी, आप नहीं खा सकते वो खाना, तभी आप कैंसिल कर रहे हैं ना कि आप वो खाना नहीं खा सकते, कि वो ठंडा हो चुका है या उसका कुछ भी हो गया है ना, तो आप फिर उस खाने को फ्री में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे ये बात नहीं उसकी समझ में आ रही। अगर आपको वो फ्री में, मतलब आप फ्री में अगर आपको मिल जाएगा तो फिर वो खाने के लायक है, आप अपने घर में उसको गर्म वगैरह करके खा सकते हो, फ्री में चाहिए आपको। लेकिन अगर उसी खाने के आपको पैसे देने पड़े तो मतलब वो खाना खाने के लायक नहीं है। अगर आपको नहीं खाना है, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं, तो फ्री में भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए उस खाने को। वो तो ऑर्डर अगर कैंसिल होता है तो हमें वापस रेस्टोरेंट में रिटर्न करना होता है, क्योंकि जब जैसे ही वो कैंसिल होता है तो मैं कस्टमर को भी मैसेज चला जाता है उसका, और रेस्टोरेंट को भी मैसेज चला जाता है। अगर हम वो ऑर्डर वापस नहीं करते तो रेस्टोरेंट हमारी कंप्लेंट करता है, तो वो हमारे फिर जो पे आउट आता है नेक्स्ट वीकली, उसमें से वो फाइन लग के आता है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा, और उसमें से जो हमारा इंसेंटिव बना रहेगा पूरे वीक का, वो जाता रहेगा उसमें से। तो हमें तो हर हाल में मतलब ऑर्डर डिलीवर ही करना होता है, चाहे वो कस्टमर को करें चाहे हमें रेस्टोरेंट में देना हो, वो तो मतलब एक तरह से अमानत है किसी की। वो हम अपनी अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, तो हम 200-300 या जितने का भी ऑर्डर है उसके लिए हम अपना पूरा रोज़गार को थोड़ी ना रिस्क में लेंगे। सिर्फ इस बात के लिए मतलब इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो यार, हमारे ऊपर अगर FIR हो जाए, और ऊपर से मेरी ID बंद हो जाए, एक तो मेरा रोज़गार चला गया, ऊपर से मैं FIR भुगतूँ, जोमेटो निकल गया साइड में, रेस्टोरेंट निकल गया साइड में, कस्टमर निकल गया साइड में, मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया तो मैंने पाप कर दिया यार। ये तो कोई मतलब इंसानियत वाली बात नहीं है। देखिए, जोमेटो से सबसे बड़ी दिक्कत, पहली बात तो हम जोमेटो के एम्प्लॉय नहीं हैं सर, हम जोमेटो में पार्टनर हैं, डिलीवरी पार्टनर हैं। हमने अपनी बाइक इन्वेस्ट की हुई है वहाँ पे, बाइक हमारी है, फ़ोन हमारा है, उस पर रिचार्ज हमारा है, तेल हमारा है, तो हम अपना 50% पहले देते हैं जोमेटो को, फिर उसके बाद अर्न करते हैं उससे, जोमेटो से। और अगर जोमेटो का पूरा काम ही मतलब किसी की बाइक के ऊपर, किसी की मेहनत के ऊपर चल रहा है, तो आप उसको तवज्जो दीजिए पहले, तो ठीक है, आप पहले आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए उसकी, आप खुद अगर उन्होंने FIR की है तो आप खुद स्टैंड लीजिए इसके ऊपर, क्योंकि राइडर मतलब सिर्फ वो राइडर ही नहीं है, वो उसकी वजह से आपका जोमेटो का भी काम चल रहा है, रेस्टोरेंट का तो चल ही रहा है, रेस्टोरेंट तो फिर भी मतलब कुछ ना कुछ अपनी लागत लगा रहा है बीच में, जोमेटो रेस्टोरेंट की लागत लग रही है, खाना फूड लग रहा है उसका, हमारी लागत लग रही है, जोमेटो की तो लागत भी नहीं लग रही है कोई। देखिए, तो ये तो सिर्फ मलाई खाने वाली बात है, अगर आप मलाई भी खाते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो आप कम से कम राइडर, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, कोई बात नहीं सुनी, FIR तो वह अब बंदा वो झेल ही रहा है, उसको तो ज़िंदगी बर्बाद होने वाली बात है ये यार, ये कहाँ की बात हुई। ठीक है, दूसरी बात, अगर मतलब उसने FIR करवा दी तो कम से कम आप उसकी ID तो मत सस्पेंड कीजिए ना आप। ये जोमेटो की बात नहीं है, कोई भी कंपनी है तो वो कस्टमर की सुनेगी बिना बिना ही किसी बात के यार, कैसी कैसे ये दौर में रह रहे हैं हम, ये कौन सा इंडिया है, ये कौन सी आज़ादी है यार ये। ठीक है, एक तरफ तो कस्टमर वर्ग जो है वो किंग मानते हैं उसको, और जो एम्प्लॉई वर्ग है उसको तो मतलब जूती समझते हैं यार लोग यार। और अब हम अपने मतलब बिहेवियर के बारे में हम आपको बताएं, हम किसी भी मॉल में ऑर्डर लेने जाते हैं सर, कस्टमर के लिए अलग से लिफ्ट रहती है, हमारे लिए बैक साइड में सर्विस लिफ्ट रहती है, मतलब इतना डिफरेंशिएट करते हैं हम लोगों को, डिग्रेड करते हैं यार, कि मतलब आप अगर काम करते हो तो आप अलग रास्ते से आओगे, मतलब जो कस्टमर है वो मेन मेन गेट से आएगा यार, मेन गेट से हमें 2 मिनट लगते हैं, मेन गेट के पास रेस्टोरेंट होता है, तो हमें पीछे से बाइक कहीं पे खड़े करेंगे, हम वहाँ से 500 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर हम पैदल चल के उस लिफ्ट तक जाएंगे, वो जो सर्विस लिफ्ट होती है, ठीक है, इतनी मतलब गंदी लिफ्ट होती है वो, कहीं अगर अच्छी सोसाइटी में चले जाए तो वहाँ पे भी यही रहता है कि अगर आप सर्विस मैन हो तो आप लिफ्ट में नहीं जा सकते, ये क्या, बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि आप मतलब लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे, तो 7वें माले पे, 8वें माले पे, यार फ्लोर पे, तो बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे हम मतलब उनका बाथरूम नहीं यूज़ कर सकते, जो पब्लिक उनके जो पब्लिक के लिए कस्टमर्स के लिए वॉशरूम है ना, वो हम राइडर नहीं यूज़ कर सकते,
यार ये कैसी, आप बताइए यार, ये ऊंच नीच वाला काम नहीं है यार। क्यों ऐसा समझते हो आप किसी एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को आप इतना डिफरेंट। यार हम काम करते हैं यार, हमें बाथरूम जाना, कहाँ जाएंगे हम, रेस्टोरेंट में जाएंगे। स्वच्छ भारत का क्या भारत है यार, स्वच्छ भारत कहाँ, हम कहीं दीवार पर कूदेंगे, सॉरी दीवार पे हम करेंगे तो कहेंगे जी आप मतलब खाना आप उसी हाथ से खाना देते हो, उसी क्या हम आप मतलब खुद ही यार हम जेंटली रहते हैं अपने घर में, खाना खाते हैं, बाथरूम करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, सारा कुछ। अब मतलब रेस्टोरेंट में बाथरूम की व्यवस्था के लिए भी ऐसा होगा, जोमेटो की। सर रेस्टोरेंट की बात छोड़िए, चंडीगढ़ में ना दो दो फेस में इनका जोमेटो का खुद का ऑफिस है सर। अब जोमेटो के खुद के ऑफिस में जाएंगे ना तो आपको ये अपना वॉशरूम नहीं यूज़ करने देंगे। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हो ना, मेरे साथ हुई, आप किसी भी राइडर से पूछ लीजिएगा, ये जोमेटो वाले अपना वॉशरूम तक नहीं यूज़ करने देते यार। इतना आप डिग्रेड समझते हो हम लोगों की, हम आपका वॉशरूम गंदा करके आएंगे यार, आप मतलब क्या समझते हो। अगर मतलब आपको ये लगता है कि हम आपका बाथरूम गंदा करेंगे तो फूड तो आपका हम बहुत ही गंदा कर सकते हैं सर, आपने ये सोचा है। अगर आपको लगता है कि ये बाथरूम गंदा कर सकते तो फूड पे भी मत रखिए हमें। मेन बात जो है, जो जो जोमेटो ने खुद ही एक्शन ले लिया यार, खुद ही जोमेटो सुप्रीम कोर्ट बन गया। किसी कस्टमर ने कंप्लेंट की, आपने मतलब उसको सस्पेंड ही कर दिया, उसने FIR की, जो उसने भी नहीं की वो FIR, वो किसी और ने की है। जोमेटो ने उसको लड़के को सस्पेंड कर दिया यार, मतलब कहीं पे स्टैंड नहीं लेना तो यार कहीं एक ही बंदे पर एक स्टैंड ले लो यार, आप खुद हैंडल करो यार FIR। जोमेटो के ऊपर FIR होनी चाहिए थी लेट डिलीवरी के लिए यार, राइडर के ऊपर क्यों होनी चाहिए। जोमेटो की अगर अगर जोमेटो का ऐसा क्राइटेरिया रहता कि अगर आपको लेट ऑर्डर इतने टाइम पे नहीं मिलता तो हम आपको फ्री डिलीवरी करते, तो यार राइडर को भी क्या दिक्कत थी। आप बताइए, जोमेटो का ऐसा कोई एल्गोरिदम या कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं कि अगर आपको लेट मिलेगा तो हम फ्री में देंगे, तो वो राइडर भुगते। अगर राइडर वो मतलब नहीं अपना पे आउट से तो वो झगड़ता, मैं तो ये कहूँगा, अगर वो उसको तो छोड़ो, उससे झगड़ा कि नहीं झगड़ा, अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं खुद झगड़ता। मैंने ऐसी सिचुएशंस बहुत देखी हैं सर, मैंने बहुत बार अपनी जेब से पैसे डाले हुए हैं, कभी 150 कभी 300। कस्टमर ने ऑर्डर, ऐसे भी कस्टमर देखे हैं सर मैंने, ऑर्डर ले लेते हैं उसके बाद जोमेटो में सपोर्ट में बोलते हैं कि हमें ऑर्डर तो मिला ही नहीं सर आपका। जोमेटो इतना मतलब इतना मन वहाँ पे ख़राब होता है, जोमेटो एक बार भी उसका चेक नहीं करेगा, उसका हिस्ट्री चेक नहीं करेगा, उसने पहले ऐसा कितनी बार किया हुआ है। ठीक है, वो जोमेटो अपना हैंड सेव रखेगा, हमें वो जितने का ऑर्डर उसने 300 का ऑर्डर किया वो बोलेगा हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो वो ऑर्डर अब हमारे वो जो हमारा डेली का जो पे आउट है उसमें से वो माइनस कर देगा। यार 400-500 रुपये मैं डेली का कमाऊंगा, उसमें से 300 रुपये मैं ऐसे कट करूंगा, तो यार उसकी वजह से मैं एक हफ्ता काम पे नहीं गया। उसी ऐसे जब भी इंसिडेंट होते ना तो कितना डीमोटिवेट होता है बंदा, पूरे मेहनत के साथ जब काम करते हो आप और कस्टमर खाना लेके बोल देता है यार, ये तो आप बात छोड़ो सर, मैं 1.5 साल में पता नहीं कितनी बार पैसे दे चुका हूँ। वो तो चलो ठीक है, इसमें इसलिए लगाऊँ क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें काम में, कभी कभार अगर हो गया तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, इधर से मेरे 300 जाते हैं, भगवान मुझे किसी और काम से वो 3 का 30 हज़ार दे देता है, तो मैं इस वजह से लगा हूँ। तो लेकिन जोमेटो को ये सोचना चाहिए यार, अगर FIR भी नहीं वापस उसकी करवा सकते या आप उसको सस्पेंड उसका सस्पेंशन भी नहीं रोक सकते, तो जो ऑलरेडी जोमेटो के जितने भी राइडर्स हैं उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं यार, उनके ऊपर तो आप सुधार करो यार। क्या यार मतलब ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ये कोई बिहेवियर नहीं है जोमेटो का सर।